नमस्कार, मैं हूं नंदनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। मायावती की अखिलेश यादव पर हमला बोलने के बाद अब अखिलेश यादव ने भी मायावती पर उल्टा निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव लड़ने की जोरदार तैयारी में है। अखिलेश यादव ने अपने जवाब में समाजवादी पार्टी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपने निशाने पर ले लिया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार ही खोती जा रही है। मायावती ने कहा कि इस हालात के लिए उनका अपना कृत ही मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अब परिवार पार्टी और इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचातानी और आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ और जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं। तो फिर लोगों को निराशा क्यों ना हो, लोगों में इससे काफी ज्यादा निराशा है। इसके बाद मायावती इतने पर ही नहीं रुकी, इसके आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मिलीभगत है। उन्होंने आगे कहा कि सपा की भाजपा के साथ और अंदरूनी मिलीभगत है और किसी से छिपी भी नहीं है। मायावती ने कहा कि यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में तो वॉकओवर मिल चुका है। प्रमुख विपक्षी दल के शांत रहने के कारण ही सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। सपा के इस आचरण से ही आम जनता और खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त और उनमें काफी बेचैनी पैदा हुई है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी इसी प्रकार की जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनगणनल और बचकानी बयानबाजी आदि करके या करवा कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो लोगों को और देश को, अन्य विपक्षी पार्टियों को भी समाजवादी पार्टी से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी अपने जवाबी हमले में बसपा मायावती के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने इन सब पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित वाले दलों की एकजुटता से बीजेपी बौखला गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी अपने लाउडस्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश और जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला सी गई, इसीलिए अपने लाउडस्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। इन लाउडस्पीकरों का माइक कहीं और है। जनता को धोखा देने वाली भाजपा और उसके नालबद्ध दलों को जनता सबक सिखाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।